वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों वीडियो का जो थंबनेल है यानी कि टाइटल है वो आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पर। आज हम बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में, जिसे लेकर के मार्केट में एक लंबे अरसे से खामोशी थी। इवन के 14 फरवरी का जब उसका बर्न भी गुजरा तो हमें शिबा इनू के प्राइस में थोड़ा सा भी बूस्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन एक मुद्दत से, करीब एक साल के लंबे अरसे से जिस न्यूज़ का इंतज़ार था, बिल आखिर दोस्तों वो हो ही गया है। अब सोचना यह है कि क्या ये मार्केट पर शिबा इनू की कोई पॉजिटिव असर डालेगा। तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिबा इनू एक नई एक्सचेंज पे लिस्ट हो और उसके प्राइस में हमें बूस्ट देखने को ना मिले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शिबा इनू की कोई प्रमोशन करने नहीं आया, हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइस एनालिसिस की और आगे चल करके प्राइस प्रेडिक्शन की कि क्या शिबा इनू जैसा कॉइन इस साल अपना 1.0, 2.0 या 3.0 कम करने जा रहा है रॉबिनहुड एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि मार्केट का एक रूल है, जब भी मार्केट में किसी भी अच्छी एक्सचेंज पे कोई कॉइन लिस्ट होता है फिर वो बूस्ट जरूर करता है। खास करके अगर मार्केट यहाँ पर क्रैश भी कर रही हो, और हम पास्ट में भी ये चीज़ें देख चुके हैं कि मार्केट की हालत चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन जब कोई कॉइन किसी नई एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द मार्केट जाके बिहेव करता है। और उसका बिहेव कितनी देर तक, 15-15 दिन तक उसका जो बिहेव होता है तमाम कॉइन से, इवन के मार्केट के मोस्ट स्टेबल कॉइन से भी उसका बिहेव बहुत ही मुख्तलिफ होता है और आपको वो पंप देता चला जाता है। तो दोस्तों क्या ये शिबा इनू मजीद बाइंग करने क्या ये टाइम है, या जिन दोस्तों ने पहले से ही बाय कर रखा है उनकी चांदी होने वाली है, ये सब हम आगे चल करके शिबा इनू की न्यूज़ पे जाकर के बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सो फ्रेंड्स, शिबा इनू फाइनली गेट्स लिस्टेड ऑन रॉबिनहुड। तो दोस्तों यहाँ पर ये वो न्यूज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका मार्केट में एक साल के लंबे अरसे से ज़्यादा इंतज़ार था और हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई। उसकी रीज़न ये है कि कोई ऐसा साल अब तक नहीं गुजरा कि जब शिबा इनू की प्राइस में हमें बूस्ट देखने को ना मिला हो। जैसे कि आपने अक्सर सुन रखा होगा कि पंप ऑफ द ईयर हमेशा आपको देखने को मिलता है, यानी कि हर साल BTC अपना एक हाई लगाता है, और उसी तरह शिबा इनू पिछले 2 साल से अपनी एक रूटीन बनाकर बैठा हुआ है कि वो कोई ना कोई नई चीज़ अपने अंदर ऐड करता है, कोई प्रोजेक्ट ऐड करता है। जैसे आपने मेटावर्स के साथ सुना था कि शिबावर्स को कन्वर्ट करके वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। तो ऐसी जितनी भी न्यूज़ मार्केट में आती हैं वो कॉइन के लिए एक इवेंट साबित होती हैं। तो दोस्तों इट्स काइंड ऑफ इवेंट, 2 मिनट पहले ये न्यूज़ हमें मौसूल हुई है कि शिबा इनू फाइनली गेट लिस्टेड ऑन रॉबिनहुड। तो दोस्तों अब इसका एडवांटेज शिबा इनू को क्या होने वाला है और इसके प्राइस में हमें कितना बूस्ट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी हम अब बात करेंगे। रॉबिनहुड हैज़ फाइनली लिस्टेड शिबा इनू ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द टोकन इज़ नाउ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। यानी कि रॉबिनहुड जैसी एक्सचेंज पे अब आप ट्रेड करने के लिए शिबा इनू को बाय कर सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जब ये बाइनांस पर आया तो इसका भी इसने एडवांटेज लिया। जब इसके बर्न का सिलसिला शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा करके, तब भी इसने उस बर्न का फ़ायदा लिया, लेकिन वाहिद बर्न 14 फरवरी का गुजरा था जिसका इसके प्राइस पे कोई असर देखने को नहीं मिला। उसकी रीज़न ये बनी कि अगर आप मार्केट में उस वक्त कनेक्टेड थे या अगर आज आप बिल्कुल न्यू हैं मार्केट में, तो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा कि उसी वक्त शिबा इनू ने 14 फरवरी के 2 दिन बाद ये खबर चला दी कि वो इसको अपनी एक्सचेंज पे, रॉबिनहुड एक्सचेंज वालों ने खबर चला दी कि वो शिबा इनू को अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट करने नहीं जा रहे। इस न्यूज़ ने शिबा इनू के बर्न का जो बर्न पार्टी थी उसका सत्यानाश करके रख दिया और इसके प्राइस बढ़ने की बजाय ड्रॉप हुए। तो दोस्तों अब ये ड्रॉप सीन मुझे ऐसे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमने थोड़ी सी अकल के साथ इसमें एंट्री लेनी है। पहले खबर कंप्लीट कर लेते हैं फिर चलते हैं जल्दी से प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ। द लीडिंग एक्सचेंज ट्वीटेड वी ड्रॉप न्यू क्रिप्टो एंड वी आर गिविंग अवे 100K ऑफ इट। यानी कि उन्होंने वहाँ पर उसे जैसे ही कॉइन को लिस्ट किया है, साथ ही उन्होंने $1000 का जो है गिव अवे कर दिया है। गिव अवे करना इनकी एक स्ट्रेटजी होती है ताकि उसकी प्राइस मजीद बढ़े। कोट ट्वीट दिस ट्वीट विद द रॉबिनहुड यूजर एट द डेट ऑफ इंक्लूडेड टू गेट सम रॉबिन हैशटैग रॉबिनहुड क्रिप्टो। दोस्तों ये आपके सामने वो ट्वीट है जो इस वक्त दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और इस खबर से ही शिबा इनू के प्राइस में हमें लाजम कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा
कि 4023 पे शिबा इनू जब से मार्केट क्रैश हो रही है हमें देखने को मिल रहा था। अभी इस वीडियो के दरमियान ही आप इसके प्राइस देखिएगा, मार्केट क्रैश के दरमियान आपको अचानक एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। अब आप ट्वीट को डिस्कस करते हैं दोस्तों कि वी ड्रॉप अ न्यू क्रिप्टो एंड वी आर गिविंग अवे, ये वही न्यूज़ है जो मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। अब इसका दोस्तों एडवांटेज क्या होने वाला है, वो ये है कि पहले से ही रॉबिनहुड जैसी एक्सचेंज के साथ इनका कोलैप्स चल रहा था कि इन्होंने अपना वादा तोड़ा और रॉबिनहुड और शिबा इनू के जो ओनर्स हैं उनके दरमियान काफ़ी मसाइल पैदा हुए और ये एक दिन सॉल्व होना ही था। तकरीबन 2 माह पहले मेरी वीडियो में मैं ये चीज़ बता चुका था कि देर सवेर सही ये चीज़ होकर के रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्टेड बोर्ड विच एग्रेसिवली मॉनिटर्स ओवर 44 एक्सचेंज लिस्टिंग इन द रियल टाइम वॉज द फर्स्ट टॉप प्रेडिक्ट टूडे द रॉबिनहुड विल अनाउंस अ शिबा इनू लिस्टेड। द क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्ट बोर्ड डिटेक्ट एक्सचेंज लिस्टिंग अनाउंसमेंट प्रेयर टू द लिस्ट इन द डिटेक्ट सेवरल टॉप एक्सचेंज सच एज द क्वाइन बेस, बाइनांस, रॉबिनहुड, कुकॉइन, प्लोनिक्स, पोलोनिक्स एंड द 40 अदर्स। अब दोस्तों नेटिव टोकन हो या मार्केट में आया हुआ इस तरह का एक आम सा टोकन जिसे शिबा इनू को पहले हम बहुत ही एक घटिया टोकन माना जाता था, लेकिन दिन ब दिन इसका इस तरह जीरो काम करना और डिफरेंट एक्सचेंज पे आते चले जाना इसके लिए शोहरत का बाइस बना। तो दोस्तों ना सिर्फ रॉबिनहुड की ट्विटर अकाउंट पे आपको ये खबर देखने को मिल रही है, अब बढ़ते हैं जल्दी से उन प्लेटफॉर्म पे जहां पर ये खबर तेजी से बढ़ रही है। अब रॉबिनहुड ने लिस्ट किया है, उनका खबर चलाना बनता है, ये नॉर्मल सी बात है। अब चलते हैं वॉचर डॉट गुरु की वेबसाइट पे, वहां पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जी के ब्रेकिंग, रॉबिनहुड हैज लिस्टेड शिबा इनू। अब ये वॉचर डॉट गुरु को अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या ये वेबसाइट है क्या, और 2 मिनट के या 10 मिनट के अरसे में 18K व्यूवर इसे वॉच कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इवन बिफोर रॉबिनहुड अनाउंस लिस्टिंग शिबा इनू टू बोल्ड ट्विटर हैंडल। तो दोस्तों वॉचर गुरु के बाद अब हम आते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्टिंग बोर्ड की ट्विटर अकाउंट की तरफ, तो वहां पर भी आपको तीसरी जगह पर ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि वी हैव डिटेक्टेड द शिबा इनू, शिब हैज़ बीन लिस्टेड ऑन रॉबिनहुड, व्यू ऑन रॉबिनहुड, रॉबिनहुड.com। तो दोस्तों जहां पर अब तीन आपको यहां पे एविडेंस मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसके बाद अब चलते हैं जल्दी से इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ कि हमें इसके प्राइस में क्या बूस्ट देखने को मिल रहा है इस न्यूज़ के दरमियान। व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ शिबा इनू, यहाँ पर इसके प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमें इसके अंदर कितना बूस्ट देखने को मिला है, तो वो आपके सामने है लाइव। आपको दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मैं बता रहा हूँ कि आज सुबह करीब 2 बजे के करीब 4021, यानी कि चलिए हम इसे कंसिडर कर लेते हैं 4022 पे मार्केट शिबा इनू की आ चुकी थी, और हम इस वक्त जो देख रहे हैं प्राइसिस वो हैं 4029, यानी कि कहाँ पे 4022 और 4029, यानी कि इसके दरमियान ये 407 पॉइंट्स अपने बढ़ा चुका है, यानी कि इसे हम कंसीडर करेंगे कि उसने अपनी अच्छी खासी मार्केट में आपको पंपिंग दिखाई। अभी थोड़ा सा मार्केट में दोस्तों ये रिवर्स हो रहा है, जाहिरी बात है खबर थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता वर्क करेगी और इसके अंदर हमें अच्छा पंप देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये डाउनफॉल और इसकी रैंकिंग कहाँ पर जा कर के कम होती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले 3 माह से शिबा इनू 4032 से डाउनफॉल का शिकार होते हुए 4018 तक चला गया। अब उसकी रिकवरी का लेवल क्या होगा कि पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर इसके 17% का प्लस हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इस वक्त मार्केट $8,000 क्रैश कर चुकी है। और अब प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं दोस्तों कि क्या इसमें 2 जीरो कम होंगे, 3 जीरो कम होंगे, तो इस क्यास में या टेंशन में पड़ने से बेहतर है कि मैं समझता हूँ कि शिबा इनू किसी भी दोस्त के इस वक्त वॉलेट में $50 के लाजम मौजूद होने चाहिए, और आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर $50 आप यहाँ के आपके अकाउंट में शिबा इनू पड़े पड़े 1 जीरो कम करता है तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, और 1 जीरो कम करने के लिए उसे ट्रैवल कितना करना पड़ेगा पहले ये देख लें। 2693 पे मार्केट खड़ी है, यहाँ पर दोस्तों 26 का ट्रैवल 99 तक जाना होगा, 4099, आफ्टर दैट यहाँ पर 1 जीरो कम होगा और आपको एक $50 के साथ एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम 3 जीरो की यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठ जाएं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि 1 जीरो भी इस न्यूज़ से मार्केट इफेक्ट करती है तो शिबा इनू आपको एक $50 से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। रही बात कि आप इसे डाउनफॉल पे बाय करना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी देर हो जाएगी,
ऐसे मौके पे बाजुकात आपको शिबा इनू हो या कोई भी कॉइन हो, कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हो, हालांकि मैं शिबा इनू को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं मानता, ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन क्योंकि इसकी मार्केट में हाइट बहुत ज़्यादा है तो इसे इसके मौजूदा प्राइस पे ही बाय करना होगा, या आप ये जहां पर 16% का अभी प्लस देख रहे हैं इसमें अगर 8% का प्लस रह जाए तो आप इसमें एंट्री लेकर के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इस न्यूज़ को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है यही शिबा इनू के लिए पंप ऑफ द ईयर हो। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।